कैसे मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे इस उम्मीद के साथ। चलिए हम लोग अपने परसेंटेज यानी प्रतिशतता की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 59 तक सॉल्व कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और 60वां सवाल पढ़ करके समझ लिया जाए कि कैसे करना होगा हमें। अगर आप 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो लिखा है कि एक चुनाव में, आप लोग इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पे 68 मत अवैध यानी इनवैलिड, ये हो गया अवैध। आगे कहते हैं जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% यानी 52% वो वोट पाता है। प्रश्न ये किया गया, साथ ही साथ जीतने वाला 98 मतों से चुनाव जीत गया। प्रश्न है कुल कितने मत पड़े थे। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो बड़े आराम से थोड़ा सा सोच समझ करके सॉल्व करिए और देखिए कि कैसे ये सवाल लग जाएगा आपके लिए। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन में पहली बात तो ये कि आप यह समझ लीजिएगा कि आपका ये जो पड़ा मत है, आप सब मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि जो पड़ा मत होगा वह अवैध और प्लस वैध होगा। बोलो भाई, मानते इस बात को? आप मानना भी चाहिए। ये आपसे स्पष्ट कहा गया कि 68 वोट अवैध है, यह मत है, प्रतिशत नहीं, ये ध्यान रखना। अब आपको बताओ कि अवैध और वैध दोनों मिलके कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन है। तो इसका लगाने के एकदम आसान सा तरीका आप ये सीखें कि आपको पता क्या नहीं है, वो पता नहीं आपको कि वैध वोट कितने हैं। तो आप यहाँ पे काम करो कि जो आपके वैलिड वोट हैं, वैध वोट, इनको ही 100% मान लीजिएगा। अगर आप इसे 100% मान लोगे तो हर बार की तरह यही आप करिए कि जो आपका एक जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितना पाता है भाई, 52%। मुझे एक बात बताओ कि 100 से 52 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 48%। हर बार की तरह यहाँ पे फिर से आप इसका अपना डिफरेंस यानी अंतर निकालिए। आपने सीखा कि 52 से 48 घटा देने पे कितने आएंगे, 4% आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ 4% बराबर, तो आप कहोगे 98 वोट है, तो अगर 4% बराबर 98 हो जाएगा, सो यहाँ से निकाल लेना 100%, तो 100% बराबर 98/4 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। 4 से कैंसिल आउट करो 25, मल्टीप्लाई कर लो तो आता है ये 2450 वोटों के। जरा याद करो कि आपका क्वेश्चन क्या था, कि हमें टोटल कितना मत पड़ा यह बताना है आपको। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 68 वोट अवैध है, इन लोगों ने भी तो वोट डाला था, बेशक वो किसी के काम नहीं आया बट वोटिंग तो हुई, और ये जो वैलिड वोट हैं वो 2450 हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपका 2518 आ जाएगा। अब आप इसे समझ लेना ध्यान से, बाकी समय आप इसके लिए लाइनें साइड कर देना, सीधे दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा उत्तर। और आप क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए कि 61वें सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। सो 61 नंबर का सवाल आप देखिए, साथ साथ मिलके समझ भी लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ 61 की बात करता हूँ, क्या बात भाई, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, केयरफुल्ली पढ़िए और समझिए मेरे साथ। लिखा गया किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, आज नेताजी लोग तो लाइन लगा के खड़े भाई, कोई बात नहीं, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीते हुए उम्मीदवार को कुल मतों का 55% यानी 55 मिला और वो 60,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो अब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि आपके पास क्या क्या डेटा इन्होंने दे रखा उसे आप ध्यान से देखिए। कहते हैं कि 20% वोटर हैं जिन्होंने कहा साहब हम तो वोट ही नहीं डालेंगे, और जो विनर कैंडिडेट उसे 55% वोट मिला और वो 60,000 मतों से चुनाव जीत गया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि इसमें टोटल वोटिंग यानी आप हर बार ये मान लेना कि जो टोटल वोट पड़ा वह बराबर 100% के है। लास्ट में आपके क्वेश्चन में कहा गया कुल मतों की संख्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना
इसे दो सेक्शन में आप अच्छे से पहले डिवाइड कर लीजिए, ध्यान से समझिए। अब एग्जामिनेशन मेथड लगाता हूँ आपको। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि 20% लोगों ने कहा हम वोट नहीं डालेंगे, नेताओं से बहुत नाराज थे तो इन लोगों ने वोट नहीं डाला, बाकी वो सच्चे देशभक्त, इन्होंने कहा चाहे जो हो हम अपने मत का प्रयोग तो करेंगे। ठीक है, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, ये घर में बैठे रहे शांति से, और 80% लोगों ने जाके वोट कर दिया। ये जो 80% लोग वोट कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई जीतेगा और कोई हार जाएगा। तो आप क्या करो, यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर लो मेरे भाई। अगर इसमें से 55% एक वोटर को मिला, तो अगर आप 80 से 55 को घटा दोगे तो हर कीमत पर आपके पास 25% आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो 55 से 25 घटा के बता दो मेरे भाई, तो आप कह दोगे कि इसमें क्या बोलूं मैं, तो ठीक है मैं ही बोल देता हूं। 30% बराबर कुल कितने वोट दिए गए, 60,000 यानी 60,000 के। प्रश्न ये किया गया कि कुल कितने वोट पड़े, तो आप लकब यहां पे देख लीजिएगा कि आपके पास आएगा 30 × 60, 2 के आगे 3 जीरो ये हैं, 2 बैठा देना, करेक्ट आंसर आपका 200,000 आ जाएगा। और एक बात याद रखिए कि जब ऐसे सवाल आप लोग करना अपने लिए, तो इसको थोड़ा और शॉर्ट करना मेरे भाई, इतना लॉन्ग मत लगाइए। बस रोज एक ही बात बोलता हूँ, थिंक विदाउट इंक, यानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड का प्रयोग करिए, पेपर और पेन का प्रयोग कम करने की आदत डालिए, अभ्यास लगातार करते रहिए। अब आप देखो इसे कैसे कर सकते थे, आप सिंपली ये कह सकते थे कि जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो भाई मुझे तो परीक्षा पास होकर नौकरी लेना है, और जो बात इस कोरोना के समय में भी ना समझ पाया उसका इस दुनिया में अब कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए आप इसे ध्यान रखिए कि अब तो एक ही विकल्प है, सिलेक्शन। और एक बात और कह देता हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ, मैं आप लिए गणित तो पूरी लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आप सबके पास भी छोटी सी जिम्मेदारी मैंने सौंप रखी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनकी गणित समस्या होगी, तो आप उन तक भी आसान चीज़ों को पहुँचाइए ताकि वो समझ पाएँ। इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करिए, मैं लास्ट तक आपके साथ बना रहूँगा, पूरी कंप्लीट गणित पढ़ाऊँगा, मैं बार बार आश्वासन दे रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, सब कुछ फ्री है, लेकिन आपके इतना कर देने से मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मैं और उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। साथ ही साथ हमारे वो भाई बहन जो किसी कारण बस गणित को दिक्कत है उनके लिए, समझ नहीं पाते या प्रॉब्लम है, इस समय फ्री बैठे होंगे तो वो भी कम से कम समझेंगे और कंपटीशन में बने रहेंगे। बाकी आगे आप देखते रहिए। सवाल अगला, क्वेश्चन नंबर इसको समझा रहे थे, तो आप टोटल अपने पास रखना 100 है, ठीक है भाई, 20 ने नहीं डाला तो 80 ने वोट किया होगा, 80 में से 55 जीतने वाले के खाते में आ गया, तो 80 से में से 55 को घटा दोगे तो आप मुझे बता दो कितने आ जाएंगे, 25% के। दोनों का डिफरेंस फटाफट आप लूट लीजिए, तो 30% बराबर आप बोलोगे 60,000 आएगा, अच्छा लगेगा। सो 100% बराबर वैसे भी जो आया वो जाएगा, तो 200,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से कम लाइनों का प्रयोग करके सवाल को लगाइएगा, आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करिए, और आलस से बिल्कुल मत करना मेरे भाई, सब लोग एक एक सवाल लगाते रहो, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा लूँ तो फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आप बहुत ज़बरदस्त स्पीड लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि अब कॉम्पिटिशन कितना टफ है, कोरोना के बाद स्थिति और भी बदल जाएगी, आप सब इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे हो तो कंपटीशन ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, 62वां सवाल क्या हो गया 62वें में, कहते हैं कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, कितने ने, 8% ने। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त कर, कुल मतों का 48% पे अंडरलाइन कर लेना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, यहाँ पर भी अंडरलाइन करना,
क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में कहा गया था 61वें में कुल मतों की संख्या कितनी है और इसमें पूछ रहा है कुल कितने वोट पड़े। मुझे एक बात बताओ सब लोग कि अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 62 को देखूं तो भाई एक बात बताओ कि टोटल वोट तो आप 100% मानोगे। अगर आप 100 मानोगे फिर दो सेक्शन में आप इसे डिवाइड करोगे। मुझे बताओ 8% लोगों ने कहा हम वोट नहीं डालेंगे। चलो भाई अच्छी बात है आप मत डालो वोट। तो 92% डियर स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता था यही वोट तो पड़ा और ये पड़ा वोट कितना है यही तो इनको जानना है। जीत हार यहीं से होगी। अब आपको ये पता हो गया कि जो जीतने वाले नेताजी हैं उनको 48%, 92 रुपये आपकी जेब में, 48 आपका पड़ोसी उधार लेके चला गया, तो मुझे जल्दी बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे 44 आएगा। मैं ये पूछूंगा दोनों का अंतर, तो डियर स्टूडेंट्स दोनों का अंतर बोलो कितना आएगा, आपके पास ये आ जाएगा 4% के। और ये 4% बराबर आपके क्वेश्चन में लिख करके दिया गया है कि ये 1100 वोटों के बराबर है। तो मैं क्या करूं, 100% निकाल दूं? कभी नहीं, क्योंकि हम जब भी गणित लगाते हैं तो होश में लगाते हैं मेरे भाई। इस बार मेरा क्वेश्चन मार्क यहां नहीं यहां लगा है। सो मैं डायरेक्टली यहां कह दूंगा 92%। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो 25,300 आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व करें ताकि मैं आपको अगला 63वां जैसा एक बेहतरीन सवाल यहाँ समझा पाऊँ। और उस 63 नंबर को देखिए आप, 63 नंबर पे क्या लिखा है। 63 जैसे प्रश्न को मैं एक बार थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, फिर एकदम शॉर्ट करके सिखाऊंगा कि एग्जामिनेशन मेथड कैसे आप इतने बड़े सवाल को भी 9 से 10 सेकेंड में लगा ले जाएंगे। अब आप देखिए ना क्या हो गया इस बार, इस बार यही हुआ कि किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हुए। तो यानी मैं एक काम करता हूँ, लगाता चलता हूँ, टोटल वोटिंग यानी अगर मैंने यहाँ पे कुल मत की बात की तो 100% हम रखेंगे। हम इसे दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे और वहाँ पर आप ये कह रहे हो कि कुछ लोगों ने कहा हम वोट नहीं डालेंगे, तो बाकी लोगों ने कहा नहीं नहीं भैया हम तो वोट करे बिना रह नहीं सकते, तो 10% ने साफ साफ मना किया, तो 90% लोगों ने जाकर वोट कर दिया और ये वोट कुल कितना पड़ा ये आपसे क्वेश्चन कर दिया गया। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें कहते हैं 60 मत अमान्य, अमान्य या अवैध या इनवैलिड एक ही बात है। तो आप इसे दो कॉलम में बनाओ, एक जगह लिखिएगा अमान्य वोट और दूसरी जगह मान्य। इस बार 60% नहीं बल्कि वो 60 वोट है अमान्य। तो आप कुछ नहीं, मैं प्यारा तरीका बताता हूँ, आप उसको करिएगा। यहाँ दो नेताजी मैदान में हैं, कहा गया था कि ए और बी केवल 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, अच्छी बात है। ए ने बी को किसने भाई, ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया। तो अगर ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया तो ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 47% ने ए के पक्ष में दिया। तो अगर 47% ने ए के पक्ष में दिया तो हर कीमत पर 43% लोगों ने बी के फेवर में वोट किया। यहां से आपको बताऊं कि जरा भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये मुझे अच्छे से होश है कि 60 वोट इसी में से है। मैं उसका तरीका आपको सिखाता हूं, आप पहले एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लगाइए और देखिए क्या होने वाला है। यहां से नो डाउट आपका 4% आएगा। मेरी बात सुनो, जितना वोट अवैध रहेगा हमेशा उसको इस साइड में जोड़ के बराबर जीत और हार वाले वोट को लिख देना, 308 वोट आया। अब मैं अगर आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो आप लोग मुझे बताओ कि इसलिए ये 4% बराबर ये इधर जाएगा तो मेरे भाई माइनस होगा ना, जब ये माइनस होगा तो बच जाएगा आपका 248 यानी 248। देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा, 90% पर, तो 90% बराबर। आप इसे सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा, इस काट दो, 4 6 24, 4 2 8 होगा,
यहाँ से अगर आप उत्तर लेंगे तो 0, 9, 2, 18 और 9, 6, 54 1, 55, 180 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल को लगा के हम लोगों ने क्या सीखा, यानी अगर हम डायलॉग मारे तो यही कहेंगे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आप यही कहेंगे कि ज़्यादा नाटक मत करिए, मैं समझ गया आपकी बात को कि इतना बड़ा बड़ा हमें नहीं सॉल्व करना है। बस इतना समझ में आया कि ऐसे जो भी प्रश्न होंगे, जितना अवैध ओट या अमान्य इनवैलिड ओट है, जीत और हार के अंतर वाले में से पहले से ही घटा के डायरेक्ट आप आंसर दे देना। कैसे? अरे ऐसे भाई, आप इसको इतना जो लंबा चौड़ा हम लोगों ने लंबा लंबा फेंका, आवश्यकता ही नहीं है। अपना एग्जाम मेथड तो वैसे भी सब पर भारी है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, 100% वोटर हैं, 10 ने वोट नहीं डाला तो जाने दो ना यार, उनको बैठने दो घर, हम क्या करेंगे उनका, 90 ने डाला, ये ध्यान है हमें। तो आप बताओ इसमें से जो नेताजी जीत रहे हैं तो वो तो 47% पाए, 90 से 47 घटाओ 43 आ जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस निकालो मेरे भाई, डिफरेंस सबको पता है कि आएगा कितना, 4%। मैंने आपसे क्या कहा कि जितने वोटों से जीता और हार का अंतर दिया है उसको पहले ही अवैध वाले में से घटा देना, 248 आ जाएगा, ये अपने माइंड में कर लेना। तो 4% बराबर 248, अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि 90% बराबर वही आंसर हो जाएगा 5580 के। आप लोग इस मेथड का प्रयोग करना, आपका समय भी बचेगा और आप ज़्यादा सवाल सॉल्व भी कर पाओगे। यह आप सॉल्व करिए, मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन यानी 64वें सवाल को देखता हूँ कि 64 जैसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। 64वां सवाल क्या है पढ़िए। 64 पे लिखा गया, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, डाले गए मतों में से 20% अवैध मिले, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला और वो 28,800 मतों से चुनाव जीत गया, कुल कितने मत डाले गए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे फिर से वही अपना एक काम करो कि भाई टोटल को 100% रखो। लास्ट में प्रश्न किया गया कुल कितने मत डाले गए, तो कुल कितने मत डाले गए ये बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। यहाँ 2 सेक्शन में डिवाइड करो, 20% लोगों ने कहा वोट नहीं करूँगा, तो यहाँ से एक बात तय हो गई कि जब 20% नहीं कर रहे वोट तो 80% लोगों ने वोट डाल दिया, तो ये आपका पड़ा वोट हो गया। जो ये 80% पड़ा है, यहाँ से 2 बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो ये है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वह 80% का 60% वोट पाएगा, तो तय हो गया हारने वाला 80% का 40% वोट पाएगा। फिर से इन दोनों का डिफरेंस आप लोग अच्छे से निकाल लो, तो दोनों में 80% कॉमन है, इसकी चिंता मत करना। तो 80% गुणे सीधे 60 से 40 घटा दोगे तो आ जाएगा 20, अब बटे 100 बराबर। जरा देखो यहाँ पर लिखा गया था आपके लिए 28,800, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28,800 वोट। और अगर 28,800 वोट हो गया तो कुल मत कितने पड़े इस प्रश्न को किया गया, तो डायरेक्टली हम लोग इसे कर पाएंगे 100% बराबर टोटल वोट निकालने के लिए। ये 2 जीरो यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट कर दो, 8 × 2 = 16 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसको काटोगे तो 16 का पहाड़ा आता है ना आपको, तो 16 × 1 = 16, 12 = 28 और 16 × 8 बोलो कितना होगा, 128 हो जाएगा। तो यानी ये आपके पास 1800 आ गया, 1800 के आगे 2 जीरो बढ़ा देना, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए भाई जरा क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए कि 65 जैसे सवाल को हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप 65वें सवाल पर फोकस किए रहिए। कॉपी पेन लेके बैठते हो ना भैया, कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिएगा। 65वां सवाल देखते रहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 20% मत
अवैध पाए गए। यहां मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके लिए, तो आपको एक बात पता है कि टोटल आप 100% रखोगे, अच्छी बात है। 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो 90% ने वोट किया, ये भी समझ में आता है मेरे को। कुल कितने लोगों के नाम सूची में थे तो 100% निकालूंगा मैं। 20% मत अवैध पाए गए, तो किसका अवैध 20% होगा बोलो जरा एक बार। तो आप कहोगे 90 का अवैध, तो बता दो मेरे को वैध कितने होंगे। ये 20% अगर अवैध है तो आपका ये 80% यहाँ से निकल करके आएगा। तो अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो बोलो 72% होगा। तो ये 72% आपका वैलिड वोट हो गया। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि जीतने वाले नेताजी को 60%, तो जो नेताजी जीतते जीतते रह गए मतलब हार गए उनको 40%, और 60-40 का डिफरेंस बताओ 20%। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि 60% और -40% इज इक्वल टू 20%। सो डियर स्टूडेंट्स, आप आगे बढ़ जाना कि चूंकि 72% का 20% बराबर, यह आप सबको लिख के दिया गया, कुल 36,000 वोट लिख के दिया गया। प्रश्न में कहता है तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, मेरे भाई 100% बराबर निकालो। आपको ये पता है कि 20-25 100 होगा, पक्षांतर करोगे तो आपका आएगा 36,000 बटे कितने के बोलो 72 गुणे 5, यहाँ पे गुणे 100 करना। अब बोलो 36 एकड़ 9, तो 36 हो जाएगा, यहाँ से 36 दूनी 72, 2 5 10 होगा, 5 5 25, इसका मतलब हुआ कि 250,000 आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ हम अपने इलेक्शन को जरा आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, देखो ना 66 जैसे सवाल को आप कैसे करोगे, तो 66 को पढ़िए। कहते हो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो मेरे भाई अगर टोटल 100 हैं तो ठीक है, 75% ने वोट किया है, तो इसका मतलब 25 ने वोट नहीं किया तो मत करें वो। इनमें 2% अवैध पाए गए, तो भाई अगर अवैध 2% होगा तो बाकी वोट वैध होगा, ये हमें पता है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दो कि ये 75% का अगर आपसे कोई 2% निकालने को कह देगा तो मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता, आप सबको पता है कि ये 1.5% हो जाएगा। मेरे भाई 75 में से 1.5% को माइनस कर दो तो आप क्या कहोगे कि आ जाएगा 73.5, 73.5% का। सवाल ये था कि जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% यानी इसका 75% पाया, और जो कि 9261 मतों के बराबर है। तो प्रश्न किया गया मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, इसलिए डायरेक्टली आप 100% निकाल लीजिएगा, इसका पक्षांतर करो, 16,800 आपका ये करेक्ट आंसर होगा। लगाते रहिए और हम जरा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए कि देखो 67वां सवाल हम कैसे डिस्कस करेंगे। 67 पढ़ो भाई, 67 में लिखा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, अच्छी खबर। एक छात्र ने जबरदस्त मेहनत किया, 220 नंबर हासिल किया और पास होते होते फिर बच गया, कितने नंबर से, 11 नंबर से। सवाल ये है कि मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक क्या होगा। डियर स्टूडेंट टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसे सवाल जब मिलेंगे डायरेक्ट सॉल्व करना। कैसे मेरे भाई, 33% बराबर 220 नंबर वो पाता है, 11 नंबर से फेल है। तो जब पप्पू फेल हो गए तो होने दो, ये 33% बराबर 231 नंबर के पूर्णांक पूछेगा तो 100% बराबर 231 बटे हो जाएगा 33 को गुणा करिएगा 100 से, आपको पता है 7 बार जाएगा, 700 आपका पूर्णांक आएगा। सो देखो परसेंटेज आपके कितने काम का, डायरेक्ट आप इसका उत्तर लीजिएगा। अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा,
क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68वां सवाल क्या, अगर मैं 68 नंबर की बात करूंगा तो 68 नंबर पे लिखा है मेरे भाई, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% नंबर, तो एक विद्यार्थी 23% नंबर पाता है, वो बेचारा 36 नंबरों से फेल हो गया। एक दूसरा उसमें फेंकू पहलवान है, ये 35% नंबर पाते हैं, जितना पास होने को चाहिए उससे इनका 48 नंबर अधिक है। तो दो बातें हैं, ये पूछ रहे हैं कि पूर्णांक कितना होगा और पास होने का न्यूनतम अंक कितना होगा। आइए मिलकर जरा दोनों सवालों को हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करूँगा आप लोगों से, तो बस एक ही बात आप सब याद रखना कि ये आप मुझे बता दें कि एक पर्सन 23% नंबर पा के 36 से फेल है, तो अगर 36 नंबर पाता तो ये भी तो पास हो जाता। ये 35% से अगर 48 ज़्यादा इसमें से घटा दूँ तो कम से कम दोनों के नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप क्या करो, पक्षांतर करो, ये 35% ये 23 है मेरे भाई, इसको इधर लेके जाओ, ये पड़ोसी हैं, कह दो अबे चिरकुट चल इधर, तो -48 को लेकर के किधर आ जाओ, इस साइड। तो मेरे भैया एक बात सारे लोग मुझे बता दो जरा कि 35% में से अगर 23 घटा दिया जाएगा तो बोलो क्या आएगा मेरे भाई। तो 35 में से 23% घटा दीजिएगा, एक मज़ेदार घटना अभी पता चलेगी आपको कि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये 36 को आप 48 से जोड़ दो, तो भैया यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे कि 12% आएगा, और 12% बराबर 84 के। बोलो आपको क्या बताना था, 100% पहला सवाल था आपका, इसलिए 100% बराबर मेरे भाई बोलो 12 × 7 = 84 = 700, ये आपके पहले सवाल का जवाब। इसमें दूसरा पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो मिनिमम पास मार्क बराबर 700 इसका पूर्णांक है। एक विद्यार्थी 23% पाया, ठीक है अच्छी बात है, तो 36 नंबर से फेल हो गया, 36 को ला के ऐड कर देना मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, दो जीरो जब यहाँ से उड़ा दोगे, ये गुणा करोगे तो 161 आएगा प्लस 36, 161 को 36 से जोड़ो तो 197 आपका उत्तर आएगा। तो पूर्णांक कितना आया 700, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना 197, यही आपके प्रश्न का आंसर है। अब जरा देखो, ये हमें समझाना था, हमने समझा दिया, आप अपने लिए कैसे लगाओगे। एग्जामिनेशन मेथड कुछ नहीं करना है, एक 35% है एक 23% है, डियर स्टूडेंट दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, सीधे कितना आया 12%, आप इस मेथड को लगाइएगा तो यहाँ पे आएगा 12% बराबर। इतना तो आप सीख चुके हो कैसे हर सवालों को डायरेक्टली दोनों नंबर को जोड़ देना है 84, और इसलिए 100% बराबर मेरे भाई 700। और दूसरा प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर देना, इसमें कुछ करना नहीं होगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, तो जरा मैं आपके लिए देखूंगा कि 69 कैसे करना है, उस 69 को आप समझिएगा। 69 की बात करता हूँ, तो 69 में लिखा गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36 नंबर पाता है और 32 से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक दूसरे सज्जन है 48% पाते हैं, 64 से पास हो गए, तो कितने, तो इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता। बड़ा अच्छा प्रश्न आया, तो बहुत ही अच्छा, तो हम लोग भी उतने ही अच्छे हैं भाई। 69 ये काम करना, यहाँ पे 48% है और दूसरा वाला नंबर बोलो 36% है, दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दो मुझको, जल्दी से बोलो मेरे भाई, तो आप कहोगे 12%, तो अगर ये 12% बराबर है तो आप हर कीमत पे यहाँ 32 को ले जाके ऐड किससे करोगे 64 से, दोनों को जोड़ के बता दो कितना आया 96, तो 96 आपका अंक होगा, तो 96 नंबर बराबर कितने के 12% से, लड़का फेल कितने से था 32 नंबर से, इसलिए 32 अंक बराबर लिख देना 12/96 × 32, बोलो 32 × 96, 3 × 12 = 4% आ गया।
पास होने का प्रतिशत पूछा है, तो जो विद्यार्थी फेल था वो ऑलरेडी 36% नंबर पाया था, लेकिन एक बार फिर से उसे कर्म के साथ किस्मत ने भी धोखा दिया और 4% से पास होने से रह गया। कोई बात नहीं, पास होने के लिए सच में चाहिए था 40%। सो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, 70 नंबर हम लोग अगले पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।